Assalamu alaikum class, this is Mohammed Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा हम लोग आज की क्लास के अंदर फर्स्ट ईयर मैथ्स के दिल्ली कॉलेज के पेपर को सॉल्व करेंगे. जैसे कि आपको मालूम है कि अपने चैनल के ऊपर मैं तमाम कॉलेजेस के पेपर्स को सॉल्व करवा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर क्यों चाहे वो सेकंड ईयर क्यों. तो आपने ना सिर्फ इस वीडियो को खुद देखना है बल्कि अपने दोस्तों से भी शेयर करना है. सेकेंड नंबर के ऊपर इस पर्टिकुलर कॉलेज के पेपर की जो पीडीएफ फाइल होगी वो कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक डालूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट ड्राइव के नाम से, उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव से. क्लियर है भाई? तो आइए जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. मेरा बेटा ये कॉलेजेस के पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपके तमाम के तमाम एमसीक्यूज की तैयारी इन लेक्चर्स के जरिए मैं करवा रहा हूँ. यानी कि आपको किसी कोचिंग सेंटर जाके 5,000-5,000 रुपए देके तैयारी करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यूज की. आप जस्ट इन एमसीक्यूज के लेक्चर्स को देखें, इन पेपर्स को सॉल्व करें, 99% आपके यही एमसीक्यूज आपके पेपर के अंदर बोर्ड के अंदर आएंगे. रिमेंबर दिस थिंग मेरा बेटा, जो बंदा गवर्नमेंट कॉलेज का पेपर बनाता है वही बंदा एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड का पेपर भी डिजाइन कर रहा होता है. तो अच्छे कॉलेजेस के पेपर लाजमी सॉल्व करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें. तो भाई देखिए दिल्ली कॉलेज का ये मैथ्स का पेपर है, बड़ा मजे का पेपर है. पहला एमसीक्यूज कहते हैं ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा की पावर में आपको दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, सही है? देखो भाई इतना बड़ा नंबर दे दिया, बच्चा परेशान हो जाता है, इतना बड़ा नंबर दे दिया कैसे सॉल्व करेंगे. मेरा बेटा व्हेनेवर द ओमेगा हैज द हाईएस्ट पावर वी ट्राई टू मेक इट इन ओमेगा क्यूब. सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा. और इसको जब हम ब्रेक कर देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो किस में ब्रेक होगा, 4, 1, 5 में हो जाएगा. ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, सही है? पावर में आ गया 4, 1, 5, 1 की पावर कुछ भी हो रही हो आंसर क्या आता है, 1 ही आएगा. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 के बराबर होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है साइन 19 कॉस 11 प्लस का साइन 71 कॉस 11. अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत ही मजे का आ रहा है. अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली दो एंगल्स गिवेन है. एक गिवेन है साइन 19 कॉस 11 प्लस का साइन 71 साइन 11. अच्छा मेरा जहां तक ख्याल है यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ी सी बेवकूफी करी है और उसने जो है ना एंगल्स डिफरेंट दे दी है. उसने मेरा जाना ख्याल है उसने एंगल डिफरेंट दे दी है, साइन 71 होना चाहिए था दोनों के अंदर. बट खैर अगर एंगल डिफरेंट भी दिए हुए सिंपल कैलकुलेटर के अंदर आप डालिए, साइन 19 को इनटू मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे कॉस 11 आ जाएगा, सही है? बीच में लगाएं प्लस का सिंबल, आगे आ रहा है साइन 71 और मल्टीप्लाई के सिंबल के बाद लगा दीजिए साइन 11. मल्टीप्लाई के सिंबल के बाद क्या साइन 11, सिंपल कैलकुलेटर में डाल लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा पॉजिटिव का हाफ. क्वेश्चन सही है, कोई मसले की बात नहीं है. क्वेश्चन इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का हाफ. तो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे. भाई कैलकुलेटर यूज करते हुए खुदारा कभी भी कैलकुलेटर आप उठाएं तो हमेशा यहाँ पे शिफ्ट का ऑप्शन होगा, शिफ्ट दबा के 9 वाले बटन को दबाएंगे. जो मेमोरी होती है हमारे अक्सर छोटे बहन भाई कैलकुलेटर दबाते दबाते कैलकुलेटर के फंक्शन छेड़ देते हैं. तो कभी भी कोई कैलकुलेटर को अगर आपको रीसेट करना हो, कैलकुलेटर को रीसेट करने का तरीका क्या होता है, हमेशा पेपर के अंदर कैलकुलेटर रीसेट करके क्वेश्चन सॉल्व किया करें. मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ, शिफ्ट का ऑप्शन होगा आपके पास, 9 का ऑप्शन होगा, शिफ्ट दबा के 9 दबाएं, फिर इक्वल टू पे क्लिक कर दें, आपसे वो पूछेगा. जब शिफ्ट दबा के हम 9 दबाएंगे तो पूछेगा आपसे क्लियर क्या करना है, सेटअप करना है, मेमोरी करना है या ऑल करना है. 3 पे करके आप 3 बटन दबाएंगे तो आपसे कहेगा रीसेट ऑल,
तो यस पे क्लिक कर दें फिर आप इक्वल टू के ऊपर, तो ये आपका रीसेट ऑल हो जाएगा। तो हमेशा उसके बाद सॉल्व किया करें, वरना अक्सर हमारे घर में कोई बच्चा बच्चा उठाता है तो कैलकुलेटर के फंक्शन आगे पीछे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है मेरा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है आपको एक बायनॉमियल सीरीज गिवन है, क्या बायनॉमियल सीरीज आ रही है? देखो एक बात हमेशा याद रखना, आपको बायनॉमियल सीरीज गिवन है, आपसे कहा जा रहा है बताओ इसका आंसर क्या होगा। मेरा बेटा देखो, अगर आप गौर से इस बायनॉमियल सीरीज को देखो, इस बायनॉमियल सीरीज के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स के जो साइंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी बायनॉमियल सीरीज में अगर तमाम टर्म्स के साइन पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक्स वाली टर्म भी नेगेटिव है और पावर वाली टर्म भी नेगेटिव है। अब देखो फॉर्मुला हमारे पास बायनॉमियल सीरीज का ओरिजिनली क्या होता है, 1 plus nx plus n into n minus n, ये चलता जाता है, यानी कि 1 का 1 एज इट इज, और यहां से क्या मिल जाएगा मुझे nx। देखो सेकंड टर्म तो मेरी x ही रहेगी, n पावर होगी मेरी। हमेशा याद रखिएगा मेरा बेटा, अगर कभी भी पावर भी नेगेटिव हो और सेकंड टर्म भी नेगेटिव हो, तभी जो बायनॉमियल सीरीज ओपन होती है किस में ओपन होती है, पॉजिटिव की फॉर्म में ओपन होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस बात को ऐसे समझा सकता हूं कि अगर मेरे पास आ जाए 1 plus x की पावर में नेगेटिव 1, तो इसकी बायनॉमियल सीरीज जो ओपन होगी कैसे होगी, 1 minus x plus का x square negative का x cube। या अगर मेरे पास आ जाए 1 माइनस एक्स की होल पावर में नेगेटिव 1, तब ये पॉजिटिव के अंदर ओपन होती है, तब किस में ओपन होती है, पॉजिटिव के अंदर। इसी तरीके से लेट सपोज अगर मेरे पास कभी भी आ जाए 1 प्लस एक्स की पावर में नेगेटिव का 2, तो ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में ओपन होगी। तो हमेशा हमारी सेकंड टर्म इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पावर हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, बट सेकंड टर्म कैन बी पॉजिटिव सेकंड टर्म कैन बी नेगेटिव। अच्छा तो पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट क्या है भाई, देखो मेरा बच्चा, अगर आपकी कभी भी अगर सेकंड टर्म पॉजिटिव हो और पावर नेगेटिव हो, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये फॉर्मुला जो ओपन होता है हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पे ही होता है। ये कैसे ओपन होगा, ये आई गेस हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस का 3x स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव का 4x क्यूब, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। तो अगर आपको कभी भी बायनॉमियल सीरीज कंप्लीटली पॉजिटिव में गिवन है, इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड टर्म भी नेगेटिव थी और पावर भी जो भी थी आपकी वो भी नेगेटिव थी। इसीलिए इसका वो आंसर होगा जिसमें पावर भी नेगेटिव है सेकंड टर्म भी नेगेटिव है। तो या तो ये आंसर है ये आंसर है, बट मुझे साफ दिख रहा है कि यहां पे मेरी n की वैल्यू क्या गिवन है, फार्मूला क्या होता है 1 plus nx होते हैं ना, तो बेटा n की वैल्यू क्या है 3 है, पावर जिसके 3 आ रहा है नेगेटिव का, वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पे कंप्लीट बायनॉमियल सीरीज पॉजिटिव की आ रही है, इसका मतलब सेकंड टर्म भी मेरी नेगेटिव होगी और पावर भी नेगेटिव होगी, तभी तो फार्मूले में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है मेरा बच्चा। तो यहां पे सिंपल तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन में वैसे ये बात लिखी हुई भी कि x की वैल्यू आपकी 1 से छोटी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू तो 1 से छोटी किस में आ रही है, सिर्फ इसी में आ रही है नेगेटिव के अंदर, और पावर भी नेगेटिव इसी में आ रही है, तो बायनॉमियल सीरीज पॉजिटिव में ओपन होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्लियर है मेरा बेटा। ये बायनॉमियल सीरीज की छोटी सी प्रॉपर्टीज होती है, मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 से लिंक क्वेश्चन है, और इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, ओमेगा क्यूब आपके पास ओमेगा देन ओमेगा स्क्वायर। अच्छा भाई ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, कभी भी ओमेगा क्यूब आ रहा हो 1 के बराबर होगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आगे क्या आ गया, आगे आपसे कहता है ओमेगा ओमेगा क्यूब एन ओमेगा स्क्वायर, अगेन ये किसके बराबर होगा मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से हमारे पास बराबर होगा ओमेगा क्यूब, चूंकि 1 के बराबर होता है, सबसे पहले ओमेगा आ गया, फिर 1 आ गया, फिर क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया, देन आपके पास क्या आ रहा है ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है सिंपल तरीके से हमारे पास ओमेगा ओमेगा के बराबर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरा बेटा, ये बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ओमेगा क्यूब का ओमेगा क्यूब। मेरा बच्चा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मैट्रिसेस के अंदर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी कोई रॉ कॉलम सिमिलर आ रही होती है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है Sn is equal to 2n minus 1 then sum of the first n terms of the sequence then fourth term is, आपको सिंपल तरीके से सम का फॉर्मूला गिवन है, Sn is equal to 2 की पावर n माइनस का 1, आपसे कह रहा है बताओ फोर्थ टर्म के ऊपर वैल्यू क्या होगी। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, बताओ फोर्थ टर्म पे वैल्यू क्या होगी, तो जहां जहां n आ रहा है हमें 4 डाल दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 माइनस का 1। 2 की पावर 4 क्या होता है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से इट इज आपके पास 16 आ जाएगा 2 की पावर 4 के ऊपर, हाँ भाई, और 16 में से एक निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 15 आ जाएगा। चेक कर लीजिए 15 किसके ऊपर आपको मिल रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि उसमें आपको एक माइनस करना है, तो 15 आपके पास आंसर होगा, यहाँ पे कहीं पे भी 15 नहीं लिखा हुआ, तो माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे 15 होता है, गलती करी हुई इन लोगों ने, जो बाकी सारे आंसर्स बहुत करीब करीब पे गिवन है। तो आपको बेसिकली सम की इक्वेशन गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि फोर्थ टर्म पे बताओ वैल्यू क्या होगी। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि आर कॉस थीटा की वैल्यू 5 है, आर साइन थीटा की वैल्यू 12 है, तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी।
देखिए आपके पास आर कॉस थीटा की वैल्यू गिवेन है 5 और आर साइन थीटा की वैल्यू गिवेन है क्या 2 12। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा दूंगा मेरा बेटा तो क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से, यानी कि अगर मैं आर साइन थीटा इज इक्वल टू 12 को डिवाइड करवा दूं किससे मेरा बेटा आर कॉस थीटा डिवाइड बाय 5 से। देखो आर से आर कट गया, साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होता है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 5, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 बाय 5। आप यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 12 बाय 5, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 12 बाय 5 12 डिवाइड बाय 5 5 फाइंड कर लीजिए, आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 12 डिवाइड बाय 5 का, दैट विल बी अराउंड सम 67 डिग्री। सही है, इसको सिंपल तरीके से किसी भी वन या सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आर कॉस का कॉस आगे 67.3 इक्वल टू के बाद 5, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, 5 डिवाइडेड बाय कॉस और जो भी एंगल आ रहा है वो एंगल, तो आर की वैल्यू मेरे पास 13 आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर सेक थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है 0 से छोटी आ रही है और कॉट थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो बताओ एंगल कैसा होगा। ये क्वेश्चन बड़े मजे का है, आपको जुमला मालूम होना चाहिए ऑल सिली टॉम कैट्स। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि भाई सेक थीटा की वैल्यू कैसी है 0 से छोटी, यानी कि आपका जो क्वाड्रेंट जहां पे भी लाए कर रहा है वहां पे सेक नेगेटिव के अंदर है, एंगल क्या है नेगेटिव के अंदर है। देखो सेक और कोसेक जो कॉस और सेक जो होते हैं खाली चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब चौथा क्वाड्रेंट तो नहीं है, और फर्स्ट वैसे नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पे कह रहे हैं सेक थीटा 0 से छोटा आ रहा है, आगे कहते हैं कि वहां पे कॉट थीटा 0 से बड़ा है, तो ऑल सिली टॉम कैट्स का मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में खाली टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिस क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई कर रहा है वहां पे सेक तो नेगेटिव है मगर टेंजेंट या कॉट पॉजिटिव है, टेंजेंट और कॉट खाली थर्ड आयोटा की वैल्यू आपको गिवन है अंडर रूट में -1 और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ आयोटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की होल पावर में 10 किसके बराबर होगा। बेटा अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे अगर एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा नीचे आ जाएगा आयोटा, ये आयोटा जाके आयोटा स्क्वायर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज और बाय होल पावर में 10 का 10 एज इट इज। मेरा बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के बराबर, तो ऊपर क्या बन गया -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा होल पावर में 10, -1 प्लस 10 क्या होता है मेरा बेटा ये बराबर होता है 0 के, है ना भाई, डिवाइडेड बाय आयोटा होल पावर में 10। मेरा बेटा दुनिया में कभी भी मेरे पास अगर कोई भी टर्म 0 से डिवाइड हो रही है तो उसकी होल वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 0 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास ए बी सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहे हैं तो भाई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी गिवन है कि बताओ सी इंटू बी इंटू ए की होल पावर में अगर नेगेटिव 1 आ जाए, यानी कि अगर मेरे पास तीन मैट्रिक्स गिवन हो पहले मैं थर्ड मैट्रिक्स सी को बी से मल्टीप्लाई करवाऊँ फिर उसका जो आंसर है उसको ए से मल्टीप्लाई करवाऊँ और इन तीनों को जब आपस में मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो इनका जो रिजल्टेंट का इन्वर्स आए तो ये इनवर्स किसके बराबर होगा इन तीनों में से मेरा बेटा ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग के बराबर होगा ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स डॉट सी इनवर्स के, यानी कि पहले मैं तीन सिंपल मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँ और फिर रिजल्टेंट का इनवर्स लूँ, ये बराबर होगा किसके कि पहले मैं फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स ले लूँ फिर सेकंड मैट्रिक्स लूँ उसका इनवर्स ले लूँ थर्ड मैट्रिक्स लूँ उसका इनवर्स लूँ और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँ, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि बताओ सम ऑफ 10 अर्थमेटिक मींस बिटवीन 10 एंड 50, आपसे कह रहे हैं कि बताओ 10 अर्थमेटिक मींस 10 और 50 के दरमियान कितने होंगे, उनका सम पूछ रहा है आपसे, यानी कि सम ऑफ 10 अर्थमेटिक मींस बिटवीन 10 एंड 50। तो बेटा 10 अर्थ आपको क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है द सम ऑफ 10 अर्थमेटिक मीन आपको 10 और 50 के दरमियान फाइंड करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला क्या होता है n into a plus b divided by 2 where a and b are the extreme values and n is the number of arithmetic mean। तो भाई इस फॉर्मूले को यूज कर लो, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन आपसे कितने कह रहे हैं 10, a की वैल्यू क्या आ रही है 10 प्लस का सिंबल, b की वैल्यू क्या है 50, तो क्या बन जाएगा 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 का 2, 2 वन जर 2, 2 फाइव जर 10, क्या बन गया 5 का 5 है, इट इज 10 प्लस 50 क्या होता है 60। सिंपल तरीके से डिवीजन सॉरी नीचे वाला 2 तो कट गया ना, 50 इंटू 60 क्या हो जाएगा आपके पास 5 6 30 का 0 को 0 एज इट इज, तो आंसर क्या आ जाएगा 300। सिंपल तरीके से फॉर्मूले को यूज करेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि 1 कॉमा नेगेटिव 1 कॉमा आयोटा कॉमा नेगेटिव आयोटा किस चीज में क्लोज हुआ हुआ है, भाई सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन पे क्लोज हुआ हुआ है,
इस पे क्लोज हुआ है मेरा बेटा, मल्टीप्लीकेशन के ऊपर ये सेट आपको इजीली क्लोज होगा। सबसे मल्टीप्लाई करवाओगे आपके तमाम आंसर्स अंदर वाले प्रूव हो रहे होंगे, सबको अगर आपस में ऐड करवाओगे तो अंदर वाली वैल्यूज उनके प्रूव नहीं हो रही होंगी, सेपरेट करवाने भी अंदर वाली वैल्यूज प्रूव नहीं हो रही होंगी। सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवाने के ऊपर तमाम की तमाम वैल्यूज आपकी प्रूव हो रही होंगी। डिवीजन करवाने के ऊपर चेक कर लेते हैं, 1/-1 नेगेटिव कौन आ सकता है, या 1/iota या -/iota अगर मैं कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं 1/iota कर दूं और एक दफा मैं कर दूं नेगेटिव का iota डिवाइडेड बाय iota, तो सूरत क्या है तो नेगेटिव का 1 आ जाएगा। वायर अगर मैं iota वायर, सिंपल मल्टीप्लीकेशन पे क्लोज हुआ है, सब सारी प्रॉपर्टीज डिवीजन की पूरी नहीं कर रहा, तो सिंपल तरीके से किस पे हुआ है, मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। कैसे देखते हैं मेरा बेटा, आप इस बात को ऐसे फॉलो करते हो कि आप जो भी फंक्शन अपना उठाओगे, अगर आप उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाने पे चारों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, अगर तो आपका आंसर इन ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज में से कोई आता है, तो उसका मतलब ये फंक्शन अंदर प्रूव्ड हो रहा है, इस तरीके से फाइंड कर रहे होते हैं। वेरी गुड। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास आ जाए a माइनस का b डिवाइडेड बाय b माइनस का c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, देन a b एंड c आर इन डैश। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको कह रहा है क्या कि अगर a माइनस b डिवाइडेड बाय b माइनस c किस में मौजूद है, अगर बराबर है a डिवाइडेड बाय b के, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि अगर a माइनस b डिवाइडेड बाय b माइनस c बराबर हो किसके, a डिवाइडेड बाय b के, तो बताओ a b और c किस फॉर्म में आ रहे होंगे या किस चीज के अंदर आ रहे होंगे। बेटा बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिकल बात करी हुई है, आपसे क्या कहा जा रहा है कि बताओ a माइनस b डिवाइडेड बाय b माइनस c अगर बराबर आ जाए a डिवाइडेड बाय b के, तो बताओ ये किसके बराबर होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, या हार्मोनिक होगा, यानी कि ap होगा, gp होगा, या hp होगा। तो भाई देखो, हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, अगर कभी भी आपके पास आ रहा हो a माइनस b डिवाइडेड बाय b माइनस c, और अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है इक्वल टू के इस तरफ मौजूद है अगर कभी भी आपके पास a डिवाइडेड बाय a, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये एपी के अंदर है। और ये एपी के अंदर क्यों है मेरा बेटा, उसके पीछे रीजन ये है कि जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, इस तमाम चीजों को आगे पीछे सेंड आउट करोगे, तो बेसिकली ये आपको आंसर देगा, बी की वैल्यू आपको मिल रही होगी यहाँ से आई गेस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, सिंपल तरीके से। और अगर ये जो ट्रम्प एक्सप्रेशन आ रही है ये बराबर हो किसके, जैसे क्वेश्चन के अंदर है ए डिवाइडेड बाई बी के, अगर आपकी ये एक्सप्रेशन बराबर हो किसके, ए डिवाइडेड बाई बी के, उस सूरत में क्या होता है मेरा बेटा, उस सूरत के अंदर ये आपके पास जीपी के अंदर होता है, उस सूरत में किसके बराबर होता है, जीपी के अंदर। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके पीछे रीजन क्या होगी, सिंपल तरीके से आपको जो वैल्यू मिल रही होगी ये बी वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड जब इसको फर्दर टर्म्स में सॉल्व कर रहे होंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की फॉर्म में आएगा, हार्मोनिक मीन अप्लाई करने के ऊपर क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की फॉर्म आ रही होगी, तो ये किसमें आएगा, जीपी के अंदर होगा। और लेट सपोज अगर यही एक्सप्रेशन आपके पास एचपी में हो, किस सूरत में वो होगी, अगर मेरे पास a डिवाइडेड बाय c आ रहा हो, तो उस सूरत में ये एक्सप्रेशन किसमें होगी, hp की फॉर्म में, क्योंकि उस सूरत में हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c। भाई ये सारी एक्सप्रेशन आ कैसे रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करवाओगे, फिगर आउट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करवाओगे, तो आपको चीजें मिल रही होंगी। क्लियर है मेरा बेटा। लेट सपोज अगर आपके पास a कॉमा b कॉमा c तीन टर्म्स आ रही है ap gp hp में, तो इस तरीके से हम ये बेसिकली वैल्यूज निकाल रहे हैं, बीच वाली टर्म बराबर हो गया तो हार्मोनिक के या जीपी के या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, भाई सिंपल से सिंपलीफाई करने के ऊपर आपको आंसर मिल रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सिंपल सिंपलीफाई कर लो ए डिवाइडेड बाय बी के ऊपर, तो आपको जीपी की सीरीज मिल जाएगी, बी स्क्वायर बराबर आ रहा होगा इसी के, जो बेसिकली बराबर किसके होते हैं, जीपी के होते हैं, यही क्वेश्चन आपसे बात कर रहे हैं। क्लियर है मेरा बेटा, आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। अच्छा भाई, अगली क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं भाई टेंजेंट 270 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। अब देखो टेंजेंट 270 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर देखो 270 डिग्री का एंगल कहाँ पे लाया करता है मेरा बेटा, यहाँ पे लाया करता है, और ये एंगल कैसा आ रहा है, वर्टिकल एंगल आ रहा है। वर्टिकल एंगल के रिस्पेक्ट के ऊपर मैंने आपसे हमेशा एक बात आपको बताई, और पुराने जो एमसीक्यूज के मैं लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, मैं ये चीज उसमें भी बता चुका हूँ, जब कभी वर्टिकल एंगल होगा ना, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा होता है आंसर में, उसका अपोजिट हो जाता है। तो टेंजेंट का अपोजिट पार्ट क्या होगा, कॉट होगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कॉट थीटा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का मतलब क्या कि आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं लाया करेगा। एंड रिमेंबर दिस थिंग, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऑल सिली टॉम, टॉम का मतलब टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर प्लस का कॉट थीटा होगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं और स्टेप्स में बता चुका हूँ। अच्छा, प्लस का कॉट थीटा चूंकि गिवन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, 1/tan थीटा, क्योंकि कॉट थीटा बेसिकली क्या होता है, 1/tan ही होता है, तो आंसर इसलिए क्या होगा, 1/tan थीटा पॉजिटिव का। इस तरह के कॉन्सेप्ट को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ तमाम बच्चों से, और मैं जो उसकी पुरानी एमसीक्यू लेक्चर वीडियोस थी उसमें ही मैं बात आपको बता चुका हूं। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज का कह रहा है,
नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे कहते हैं द सेट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट वेयर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि आपसे कह रहे हैं कि बताओ इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज प्रूव होगी जहां पे आपका जो एक सेट आ रहा है वो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करता है मगर ए सेट से बिलोंग नहीं करता। जाहिर सी बात है जो एक कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऐसी चीज होगी जो बेसिकली क्या होता है यूनिवर्सल माइनस का ए, तो उसके अंदर यूनिवर्सल के एलिमेंट्स तो एग्जिस्ट करेंगे मगर वो तमाम एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो ए के होंगे, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट होता ही क्या यूनिवर्सल माइनस का ए। क्लियर है मेरा बेटा? आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि भाई सिंपल तरीके से फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके अंदर आपका ए भी बराबर हो बी के, बी बराबर हो सी के, तो बताओ टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो बताओ एंगल क्या होगा, यानी कि तीनों की तीनों साइड कैसी आ रही है बराबर आ रही। अब जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है आपको सिंपल तरीके से कहा जा रहा है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है, बताइए टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या होगी। मुझे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगता है कि यहाँ पे मसला है, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये कि भाई देखिए आपके पास टेंजेंट बीटा का जो सिंपल फॉर्मूला होता है मेरे बेटा, वो टेंजेंट बीटा के रिस्पेक्ट से फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई टू के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो फॉर्मूला भी क्या है हमारे पास, वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है और वो फॉर्मूला बेसिकली ये होता है अंडर रूट के अंदर s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय का s माइनस का b, नीचे s माइनस b आ रहा होता है। सही है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास टेंजेंट बीटा के लिए। अब यहाँ पे टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 2 भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एग्जामिनर कुछ और लिखना चाह रहा था, माइट बी पॉसिबल वो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल लिखना चाह रहा हो, तो उस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो तो हमारे पास सिंपल सा मौजूद है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जो कोई भी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू आएगी वो होती है बेसिकली रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि जो अगर कभी भी आपके पास एक ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू ये होती है। अगर तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मांग रहे बेटा बेटा वो तो ये होता है, अगर ये आपसे टेंजेंट बीटा मांग रहे तो टेंजेंट बीटा के लिए सिंपल तो फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला जिसके लिए एग्जिस्ट करता है टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टू के लिए, और जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है मैंने वो आपके सामने लिख दिया। अब माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर हो जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हुआ है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाए आपके पास, आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू निकालनी हो आपको ए माइनस बी प्लस सी, बताइए किसके बराबर होगा। अब देखिए हीरोज लॉ हमारे पास क्या होता है, हीरोज लॉ हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, तो टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस का सी। क्वेश्चन कह रहे हैं कि बताओ a माइनस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, यानी कि b वाली वैल्यू हमें माइनस में आनी चाहिए, तो b की वैल्यू माइनस में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस टू बी और माइनस का टू बी, ताकि b माइनस टू बी क्या हो जाए माइनस का b हो जाए, तो प्लस के टू बी को वहां भिजवा देंगे तो वहां जाके क्या बन जाएगा माइनस का टू बी बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी और माइनस का टू बी के साथ बचा, तो प्लस बी माइनस टू बी क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा ए माइनस का बी प्लस का सी, और 2s माइनस 2b क्या हो जाएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा s माइनस का b, यहाँ पे किसके बराबर आ गया a माइनस b प्लस c के, यानी कि a माइनस b प्लस c किसके बराबर होगा 2 इंटू एस माइनस के b के, किसके बराबर होगा 2 इंटू एस माइनस b के, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा आ रहा है, आपको सिंपल तरीके से n का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, आपको सिंपल तरीके से वैल्यू भी गिवन है, आपसे कहा जा रहा है आपको सम ऑफ दी स्क्वायर के नेचुरल नंबर की सीरीज के ऊपर आपको कहा जा रहा है कि बताओ n का स्क्वायर किसके बराबर होगा, यानी कि आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर फॉर्मूला गिवन है ये फॉर्मूला किस चीज का होता है मेरा बेटा, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा का, यहाँ पे आपको सिग्मा का फॉर्मूला गिवन है और नीचे वाली वैल्यू 1 का मतलब ये कि 1 से आपको फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहे हैं 20 तक, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये जो वैल्यू है ये आपको बता देगा वो किस चीज पे काम करना है, n स्क्वायर यानी कि आपको जो काम करना है ये काम किस पे करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के ऊपर। मेरा बेटा इसकी सीरीज होती है, सीरीज को याद रखिएगा, ये होती है n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, तो सिंपल तरीके से आपका n आ रहा है 20, तो जहां जहां n आ रहा है वहां 20 डाल दीजिए, सिंपल तरीके से आपके पास इन चारों में से कोई एक ना एक ऑप्शन आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई हो वो वैल्यू आपका एन होती है, सही है ना, और यहाँ पे जो सिंबल होता है उसके मुताबिक अपनी सीरीज को आप इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो वैसे मैं इसकी आसान शॉर्ट ट्रिक बोल के आपको बता देता हूँ, एक चीज रुके इसकी आसान शॉर्ट ट्रिक सुन लें,
कैलकुलेटर में आपके पास ऑप्शन होगा, शिफ्ट दबा के लॉग के ऊपर वाला ऑप्शन दबाएंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा, सही है, सिग्मा का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर लिखना सीख लीजिए, नीचे वाली जगह जो आ रही है वहां पे वन लिखिए, ऊपर वाली जगह पे ऊपर वाला नंबर 20 डाल दीजिए, और बीच में क्या आ रहा है आपके पास n का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे आइए मैं आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना सिखा देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर के ऊपर क्या करोगे, आपके पास अपना शिफ्ट दबा के लॉग के ऊपर आपके पास वैल्यू मौजूद होगी सिग्मा वाली, ये सिग्मा का फंक्शन कहलाता है। नीचे देखो, नीचे नंबर क्या आ रहा है आपके पास n की वैल्यू 1 गिवन है, तो x क्या पे 1 लिख दो। ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास ऊपर 20 का नंबर है, 20 ऊपर लिख देना है। और आपके पास फिर इस तरह का जब सिंबल ओपन होगा तो एक x की वैल्यू यहाँ पे मांगेगा, इधर मांगेगा और इधर एक ऑप्शन मांगेगा, सही है ना। तो इधर 1 लिख देना है, इधर क्या लिख देना है 20, क्योंकि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपने क्या डालना है, देखो यहाँ पे आपको चूंकि x गिवन है तो कैलकुलेटर में देखो आपके पास x कहाँ पे आ रहा है, आपके पास x आ रहा है, जैसे मेरे हाथ में जो कैलकुलेटर है वहां पे शिफ्ट दबा के ये इस एरो पे जब मैंने क्लिक करा तो ऊपर एक x का सिंबल था, वो x यहाँ पर आ गया, सही है। और उस x के ऊपर फिर मैं स्क्वायर कॉल कर लूंगा, उस x के ऊपर मैं क्या कॉल कर लूंगा मेरा बेटा, स्क्वायर कॉल कर लूंगा। क्योंकि अभी फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन मुझसे क्या कह रहा है, फंक्शन मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे ना सिर्फ x है बल्कि x पे क्या आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है। सॉरी, अल्फा दबा के मैंने ये फंक्शन दबाया तो x आ गया, फिर x पे यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर भी आ जाएगा। अब जब मैं कैलकुलेटर का बटन क्लिक करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2870। क्या आंसर आ जाएगा, 2870। तो इसका आंसर क्या होगा, 2870। कैलकुलेटर पे ऐसे निकाल लेंगे जल्दी से आप, अगर n क्यूब आएगा तो सिंपल तरीके से x के पावर में क्यूब डाल देंगे आप। क्लियर मेरा बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ रहा है। प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक मेरा बेटा, बहुत ही मजे का टॉपिक। आपको नंबर्स गिवन है 1 से लेकर 10 तक के, आपसे कहा जाता है कि बताओ इनमें से ऑड नंबर कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी है। तो हमें टोटल अमाउंट कितनी गिवन है 10 की, हमें कौन सा नंबर पिक करना है, हमें ऑड नंबर पिक करना है। तो भाई टोटल 1 से लेकर 10 में कितने ऑड नंबर होंगे, जाहिर सी बात है हमारी जो पिक होगी उसके हिसाब से कितने होंगे, 5 होंगे। प्रोबेबिलिटी की आ जाएगी 5/10, यानी कि सिलेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो 5/10 आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 1/2 की आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस चीज पे आ रहा है, सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मांगा हुआ है। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मांगा हुआ है, इस टर्म का। बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा, √2/√2 + √5 a² + b² आगे क्या होता है, नेगेटिव का सिंबल, √5/(a²+b²), तो √2² + √5² तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से √2/, इससे कैंसिल आउट हो गया, भी कैंसिल आउट हो गया। 5 + 2 क्या हो जाएगा, सिंपल 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का √2/, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। चेक कर लीजिए करेक्ट आंसर किस पे मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, टोटल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। आपको एक लव्स गिवेन है, कौन सा लव्स गिवेन है आपको, एप्पल। आपसे कहा जा रहा है बताओ इसकी टोटल अरेंजमेंट कैसे निकालोगे। कभी भी वर्ड्स की अरेंजमेंट निकालनी हो, वर्ड्स परमोटेशन फाइंड करनी हो, कैसे करते हैं बेटा, क्या मैंने आपको रूल सिखाया था, सिंपल तरीके से टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पढ़े कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर आ जाएगा 5 factorial, नीचे क्या आ जाएगा, रिपीटेड वैल्यूज। कितनी रिपीटेड वैल्यूज आ रही हैं, 2p आ रहे हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 factorial। तो 120/2 factorial हो जाएगा, 5 factorial 120 होते हैं, 120/2 क्या हो जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कैलकुलेटर पे आप चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं, अगर मैं एक कॉइन को क्या करूं, टॉस करूं 3 times, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 head। तो भाई अगर मैं एक कॉइन को 3 दफा उछालूं तो कम से कम 1 head आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम 1 head आने की प्रोबेबिलिटी। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, कम से कम 1 head आने की। तो भाई हेड होगा, हेड टेल होगा, सिवाय टेल के सारे केसेस प्रूव हो रहे होंगे। तो 7/8 हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन चूंकि मैंने स्टूडेंट्स को करवाए हुए हैं इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ। मेरा बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, भाई 3 times आने की हेड क्या होगी, एक केस होगा हेड का, एक केस होगा हेड टेल का, एक केस होगा हेड टेल का, एक केस होगा टेल हेड का, फिर टेल हेड टेल का, टेल हेड का, हेड टेल का, और टेल टेल का। चूंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है एटलीस्ट 1 head का केस कह रहा है, तो 7/8 आपको ऑप्शन होगा, सिवाय टेल के सारे आपके केसेस प्रूव हो रहे होंगे। आर्क लेंथ ऑफ एंटायर यूनिट सर्कल क्या होती है, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक एंटायर यूनिट सर्कल की आर्क लेंथ। मेरा बेटा आर्क लेंथ होती क्या है, बेसिकली आपके पास यहां से लेके यहां तक का आर्क लेंथ इज बेसिकली दिस डिस्टेंस। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिट सर्कल की आर्क लेंथ। क्वेश्चन बड़े मजे का है, देखो
फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, सही है ना मेरा बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं, आर्क लेंथ बताओ, आर्क लेंथ का मतलब एस की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके आपको आर रेडियस गिवन है, यूनिट सर्कल एक ऐसे सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या होता है, वन होता है, और थीटा आपको क्या गिवन है, चूंकि यूनिट सर्कल है तो ऑब्वियसली एंगल भी हम खुद से निकाल लोगे, एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास थीटा, कंप्लीट सर्कल के ऊपर हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आर्क लेंथ ऑफ एंटायर यूनिट सर्कल। देखो यूनिट सर्कल के अंदर अब आपके पास आपको पता चल गया भाई आर तो आपका क्या होगा, वन होगा, मगर एंगल क्या होगा बेटा, यूनिट सर्कल के ऊपर या तो एंगल जीरो होता है या फिर टू पाई होता है। जीरो इसलिए होता है क्योंकि भाई या तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा एंगल, या फिर पूरा कंप्लीट रोटेशन करने के बाद वापस जब यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। चूंकि हम अपना हमेशा जो फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का, इसमें अपने एंगल को हमेशा रेडियन की फॉर्म में रख रहे होते हैं मेरा बेटा, तो सिंपल तरीके से 360 किसके बराबर होता है, 2 पाई के। तो मुझे कहीं पे भी जीरो आंसर नहीं दिख रहा जबकि 2 पाई जरूर दिख रहा है, तो थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, 2 पाई, तो क्या बन जाएगी, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी। क्या कॉन्सेप्ट दिया मैंने दोबारा समझिएगा कि बेटा आर्क लेंथ के टॉप कॉन्सेप्ट हमसे कहा जा रहा है कि बताओ आर्क लेंथ की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, यूनिट सर्कल के अंदर आर चूंकि बराबर होता है 1 के, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल क्या होगा भाई। देखो एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 0 रेडियन होगा या फिर 2 पाई रेडियन होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई या तो यूनिट सर्कल के ऊपर आपका एंगल कंप्लीट सर्कल के ऊपर 0 होता है या 2 पाई होता है। 0 स्टार्टिंग के ऊपर होता है और एंडिंग के ऊपर जब कंप्लीट रोटेशन के बाद क्या होता है, 2 पाई होता है, बीच का कुछ नहीं हो सकता कंप्लीट सर्कल के ऊपर। क्लियर है मेरा बच्चा, इस तरीके से हमने यहां पे एंगल जब 2 पाई रख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 माइनस का 1। सिंपल तरीके से cos थीटा / 2 का ये क्या आ रहा है, अच्छा एक चीज वेट अ सेकंड, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा / 2, ये डबल एंगल फॉर्मूला आ रहा है किसका, हाफ एंगल डबल एंगल के ऊपर, इसका आंसर क्या होगा, सिंपल cos थीटा, क्योंकि हमारे पास सिंपल तरीके से 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 माइनस का 1 के बराबर आ रहा है किसके, cos थीटा के। तो भाई इसका एंगल जो है बेसिकली सिंगल एंगल को हाफ हाफ में ब्रेक किया हुआ है, तो ये हाफ एंगल बेस के ऊपर फॉर्मूला आ रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1। क्लियर है मेरा बेटा, तो ये बराबर होता है इसके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 cos 8x cos 2x। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 cos 8x cos 2x गिवन है। अब कह रहे हैं कि बताओ ये किसके बराबर होगा, अगेन ये सिंपल एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है मेरा बेटा, क्या कहा जा रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 27, पता नहीं डेरिवेशन उठा के किसने बावले ने दे दी है पूरी की पूरी, एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। क्या कह रहे हैं, सिंपल तरीके से 2 cos 8x cos 2x, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बहुत लंबा एमसीक्यू थे, पेपर में आने के चांसेस बहुत ही रेयर है इसके। सबसे पहले नंबर के ऊपर यहाँ पे आप एंगल को ओपन करवाओगे, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा cos 4x + 4x, सही है ना। सबसे पहले आपने एंगल को ओपन करवाना है, इनटू cos 2x बाहर का बाहर एजिट इज रहेगा। अब cos 4x + 4 के ऊपर लेट सपोज ये अल्फा ये बीटा, तो cos अल्फा + बीटा का फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos 4x और आगे भी cos 4x ही आएगा, प्लस का सिंबल है तो आगे किस पे ओपन होगा, माइनस के ऊपर। यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से sin 4x / sin 4x हो जाएगा। क्लियर है, आगे आ जाएगा cos 2x, फिर क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से, फिर हमारे पास सिंपल तरीके से हो जाएगा cos 4x किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर 4x के, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस के sin स्क्वायर 4x के, बाहर क्या मौजूद है cos 2x और cos 2x एज इट इज। इस तरीके से चलता जाएगा, इस तरीके से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा रहे होंगे, ये एक लंबा चौड़ी चीज आ जाएगी, इसको अगर पेपर में आता है तो कर लीजिएगा, बट ये एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन टाइप आ जाएगी, पेपर में आने के रेयर चांसेस ही होंगे, बट इसको आप इस तरीके से फर्दर लेके जाते जाओगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे क्या कह रहे हैं, ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 4 देन द एरिया इज डैश। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपके पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की अगर तमाम साइड्स बराबर आ जाएं, तो मैंने आपको बात बताई थी कभी भी ट्रायंगल का तमाम साइड्स क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं, तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू x स्क्वायर। तो आपको x की वैल्यू का गिवन है, 4 यूनिट्स गिवन है, तो क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, सही है, और नीचे क्या आ गया 4 का 4, तो क्या हो जाएगा 4 4 16, 4 अंडर रूट 3 आपका आंसर होगा सिंपल तरीके से। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है, आपको सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 माइनस का 3 आयोटा, आपसे कह रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने ऐड करवाना है क्या चीज, इसका पर्टिकुलर आपने कॉन्जुकेट ऐड करवाना है। कॉन्जुकेट ये होता है कि भैया आपके इमेजिनरी पार्ट का साइन कन्वर्ट कर देना, इमेजिनरी पार्ट का साइन कन्वर्ट करके क्या बन जाएगा 3 + 3 आयोटा बन जाएगा।
थ्री आयोटा से थ्री आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री किसके बराबर होता है, सिक्स के बराबर होगा, तो ऑप्शन सिक्स मेरा करेक्ट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, कहता है एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर किसके बराबर होता है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर किसके बराबर होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पास्कल का रूल आ रहा है, ये कहता है हमसे कि भाई एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर किसके बराबर होगा, एन कॉम्बिनेशन आर प्लस का एन इंटू कॉम्बिनेशन आर माइनस वन के बराबर होगा। यानी कि एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर किसके बराबर होगा, एन कॉम्बिनेशन आर प्लस के एन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन के। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसी तरीके से वाइस वर्सा अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं इसी तरीके से आपसे वाइस वर्सा पूछ लूं, तो एक और एमसीक्यू जो पेपर के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है वो क्या होगा, एन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन प्लस का एन कॉम्बिनेशन आर प्लस का एन कॉम्बिनेशन आर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर के, यानी कि उसी का उलट पूछ लिया। इसी तरीके से हमारे पास एक और भी होता है, और वो क्या होता है भैया, वो सिंपल तरीके से, यानी कि अगर मुझसे कभी बोले चलो छोड़ो उसको, छोड़ दो आप, सिर्फ ये दो ही बेसिक याद रख लो, ये भी बहुत है आपके लेवल के ऊपर, क्योंकि वो फिर आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए आपके लेवल के ऊपर कि n प्लस वन कॉम्बिनेशन आर किसके बराबर होता है, n कॉम्बिनेशन आर प्लस के n इंटू कॉम्बिनेशन आर माइनस वन के। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे क्या कहता है, कहते हैं कि भाई किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर उसका ऑर्डर 3x3 आ रहा हो और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो 25 हो, तो बताओ अगर मैं उसके मैट्रिक्स को क्या करवा दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं एडजॉइंट ऑफ ए से, तो इनमें से कौन सा आंसर आ रहा होगा। सिंपल सी बात कर रहा है, कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाए 25 आ जाए, तो बताओ इनमें से किस ऑप्शन के ऊपर वो आपको मिल रही होगी। अगर आपके पास क्या हो a into adjoint of a, 5i3 में मिलेगी। अच्छा by the way i क्या होता है, i होता है identity matrix, और identity matrix का मतलब क्या होता है, ऐसा matrix जिसके अंदर हर जगह के ऊपर 1-1 खाली आ जाए diagonal के अंदर, तो 5i3 के ऊपर आपको 5 मिलेगा खाली है भाई, 25i3 पे क्या मिलेगा। अच्छा अब सोचने की बात यह कि अगर सिंपल 5i3 है तो 5i3 के ऊपर मेरा बेटा वो तो हमें 5 आंसर देगा, सिंपल i3 तो सिंपल उसका डिटरमिनेंट सिंपल 1 होगा, और a5 into a इनवर्स इसके बराबर नहीं होगा, तो फाइनली हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, 25i3। क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट लोगे तो ऑब्वियसली 1 आंसर होगा आपके पास। क्लियर है मेरा बेटा, 25 into 1 क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा 25 के बराबर। क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमसे क्या कहता है, कहता है अगर 3 की पावर में कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है तो बताओ आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन मजे का है। क्या कहता है कि अगर 3 की पावर में क्या आ जाए, कॉस थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई सिंपल तरीके से आपसे कहा जा रहा है 3 की पावर में कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ जाए। सबसे पहले अगर इसको फिगर आउट करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है कि भैया यहाँ पे मैं 3 लेकर आऊँ ताकि पावर्स को इक्वेट करवा सकूँ, 3 की पावर कॉस थीटा एज इट इज। मेरा बेटा ये यहाँ पे इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 किसके बराबर होता है, दुनिया में किसी की पावर के अंदर 0 आ जाए तो उसके उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, चूंकि मुझे इक्वल टू के आमने सामने बेसिस सेम चाहिए तो मैंने पावर्स को आपस में इक्वेट करवाने के लिए यहाँ पे इस 1 की जगह पे क्या रख दिया, 3 की पावर 0 रख दिया, क्योंकि 3 की पावर 0 1 ही होता है। इस तरीके से पावर्स एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। मेरे पास सिंपल तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। कॉस को वहां भेज दूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 0। आपके पास सिंपल तरीके से कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेटर के अंदर आप क्या डालिए, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू। कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है। तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई बाय 2 के बराबर होती है। तो सिंपल तरीके से आपके पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पाई बाय 2 प्लस का एन पाई। क्लियर है मेरा बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजे का। क्या कहता है, कहता है कॉस पाई बाय 2 का क्या बताओ, पीरियड बताओ। अब बहुत से बच्चे पहले तो इस टॉपिक को चॉइस पे छोड़ के जा रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या आ रहा है, पीरियड ऑफ कॉस पाई बाय 2 का। तो बेटा पीरियड के अंदर कॉस का कॉस साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो आपको एमसीक्यूज का गिवन है कॉस पाई बाय 2, ये वैसे एक्स होना चाहिए था, बट खैर इन्होंने पाई बाय 2 लिख दिया, कोई मसले की बात नहीं है। वैसे यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स बाय 2 भी आप कह सकते हो। लेट सपोज आपसे कॉस एक्स बाय 2 का पीरियड पूछा जा रहा है, तो देखो कॉस का ओरिजिनली पीरियड क्या होता है, ये होता है 2 पाई। आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपको जिस भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड निकालना होता है उसको उसके ओरिजिनल पीरियड से कंपेयर करवाते हैं, और जो भी यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, अगर यहाँ पे डिवाइड हो रही है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, वो आपको सिंपल पीरियड आ जाएगा। मेरे पास सिंपल तरीके से कॉस एक्स का पीरियड क्या आ रहा होगा, टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 4 पाई। क्या आंसर आ जाएगा मेरा बेटा, 4 पाई आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लीजिए, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं हमारे पास एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल।
मेरे तमाम बच्चे जानते हैं मेरी कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल। सबसे पहले फिगर आउट करिए इन दोनों टर्म्स में से बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है। मुझे साफ दिख रहा है कि भैया एन प्लस वन जो है ये बड़ी वैल्यू और एन माइनस वन फैक्टोरियल का छोटी वैल्यू है। हम बड़ी वैल्यू को वहां तक एक्सपेंड करवाएंगे कि छोटी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो एक दफा एन प्लस वन एडेड लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा एन प्लस वन माइनस का वन, फिर क्या हो जाएगा एन प्लस वन माइनस का टू, नीचे फैक्टोरियल का फैक्टोरियल एडेड आ जाएगा और नीचे क्या आ रहा है n माइनस वन फैक्टोरियल। इस n माइनस वन फैक्टोरियल से ये वाला n माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, वन से वन भी कट जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा n इंटू एन प्लस वन। चेक कर लीजिए n इंटू एन प्लस वन कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा? बहुत आसान सी बात है, कोई मसले की चीज नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास सिंपल तरीके से इक्वेशन लिखी भी तो बताओ इक्वेशन कॉम्प्लेक्स कब बनेगी। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर कभी भी आपकी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी। यानी कि अगर मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन फोर ए सी होगी तो इसका मतलब हमारे रूट्स कैसे होंगे, हमारे रूट्स कैसे आ रहे होंगे मेरा बेटा। जाहिर सी बात है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर हमारे रूट्स, अब देखो अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ये होता है तो इन चारों में से कौन सी इक्वेशन सही है। एग्जामिनर आपका डेढ़ होशियार है, उसने इन पर्टिकुलर टर्म्स को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया, थोड़ा सा और उसने उसको एडवांस कर दिया। देखो जब डी की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तब रूट्स कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी भी कैंसिल आउट हो गया, या तो ये आंसर है ये आंसर है। अब खुद सोचो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है ये बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू डालूं कि मेरे पास आंसर नेगेटिव में आएगा, इन दोनों में से कौन सा ऐसा फैक्टर बड़ा या छोटा हो कि मेरा आंसर वन से छोटा आ रहा होगा। जाहिर सी बात है अगर ये वाला फैक्टर मेरे पास बड़ा आ जाए और ये फैक्टर छोटा आ जाए, लेट सपोज बी स्क्वायर की वैल्यू टू है और फोर ए सी की कंबाइंड वैल्यू आ रही है सिक्स, दो में से छह जब निकालूंगा तो मेरा बेटा आंसर क्या आएगा, मेरे पास नेगेटिव का फोर आएगा, यानी कि रूट्स कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है, अगर इसके अंदर बी स्क्वायर आपका छोटा हो फोर ए सी से, अगर बी स्क्वायर आपका छोटा हो फोर ए सी से, रूट्स हमेशा क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं, हमसे दो मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स ए जिसके अंदर थ्री एलिमेंट्स आ रहे हैं, और मैट्रिक्स बी जिसमें भी अगेन थ्री एलिमेंट्स आ रहे हैं। कहता है कि बताओ इसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा। तो भाई सिंपल तरीके से आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, आपसे क्या कहा जा रहा है, बताओ इनका ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होगा, और आगे उसने इनके सब एलिमेंट्स की वैल्यूज गिवन है। देखो भाई सब एलिमेंट्स की वैल्यू से सिंपल निगलेक्ट करोगे, आपके पास जो दो पर्टिकुलर मैट्रिसेस आ रहे हैं उनको आपस में देखो, उन मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, थ्री बाय थ्री के आ रहे हैं। सिंपल तरीके से आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, थ्री बाय थ्री होगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन निकालो पॉइंट। मेरा बेटा कभी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस निकालना हो हमेशा इस डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो आपसे कहा जा रहा है एक पॉइंट है 0, 0, इस पॉइंट को आप x1 y1 कह दो, दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास, लेट सपोज k cos थीटा इंटू k sin थीटा। सही है बेटा? जो सेकंड पॉइंट आ रहा है इसको आप क्या कह दोगे, x2 कॉमा y2। सिंपल तरीके से फॉर्मूले में उठाकर डाल दो, x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k cos थीटा माइनस 0, यानी कि सिंपल k स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सिंबल। y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, k sin थीटा माइनस 0, तो व्हाट इट विल बिकम k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आप k स्क्वायर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अंडर रूट k स्क्वायर किसके बराबर होगा, सिंपल k के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, k होगा। सिंपल तरीके से इस ऑडियो को समझ लीजिएगा, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सिंपल फॉर्मूले में डालोगे क्या बन जाएगा, k cos स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। k स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो सिंपल तरीके से अंडर रूट k स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा। ये आपका फाइनल ऑप्शन होगा। सेकंड लास्ट एमसीक्यू आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू बताओ। अच्छा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अच्छा अब देखो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने के लिए मेरा बेटा हमारे पास एक बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला होता है। क्या आसान सा फॉर्मूला होता है कि भाई कभी भी आपको सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को फाइंड करना है तो वो आप एक बेसिक फॉर्मूला है कि हमसे कहा जाए कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है हमारे पास सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस का 1। क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n माइनस का 1।
एन इज दी पावर, तो क्या बन जाएगा 5 - 1 2 की पावर 4, 16 मेरा आंसर होगा, क्या आंसर होगा 16 होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं हार्मोनिक मीन निकालो जिनके दरमियान 1/3 के और 1/2 के दरमियान का, तो 1/2 and 1/3 के दरमियान का क्या फाइंड करना है हार्मोनिक मीन। मेरा बेटा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूले में उठा के डाल दो अपनी वैल्यूज को, कैलकुलेटर के अंदर पुट करवा लीजिए, क्या पुट करवाओगे मेरा बेटा 2ab/a+b। अच्छा ए क्या है आपके पास, ये है 1/2 और बी की वैल्यू क्या भैया आपके पास, ये आ रही है सिंपल तरीके से 1/3। क्लियर है मेरा बेटा, तो आपसे क्या कह रहा है सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डाल दो ए की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो आपके पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ रहा होगा 2/5 आ रहा होगा, गाइस क्या आ रहा होगा 2/5, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से फाइनली इस पर्टिकुलर पेपर के हमने एमसीक्यूज को सॉल्व करा। लिटरली मेरा बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट अब एमसीक्यूज का पैटर्न चेंज हो रहा है और एमसीक्यूज अब पुराने वाले बच्चों वाले एमसीक्यूज नहीं दिए जा रहे, तो आपने खुद देखा होगा कि इस दिल्ली कॉलेज के पेपर के अंदर कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज डिफिकल्ट भी गिवन थे, मुश्किल भी गिवन थे और मजे के भी गिवन थे। द पॉइंट इज दैट कि मेरा बेटा अब एमसीक्यूज का पैटर्न चेंज हो रहा है, अब ये एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर के अंदर 40% जो पोर्शन आएगा वो एमसीक्यूज का आएगा और ये आपको डिफिकल्ट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, इस तरह बड़े कॉलेजेस के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे तभी आपका फायदा होगा, वरना बेटा कोई फायदा नहीं होगा। द पॉइंट इज दैट कि आपने खुद ये लेक्चर देखना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स भी शेयर करना है, अपने कोचिंग के फ्रेंड से भी शेयर करना है। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।